Dear students, good morning. Today we will do the next chapter, chapter number 2 of the Kanthapura. In this chapter, Bade Khan has come to the village Kanthapura and he was looking for a house to live in. But nobody is ready to give him house. And he goes to Patwari Nanjundia. अब बड़े खान को कोई भी, क्योंकि एक तो पुलिस वाला है, दूसरा वो मुस्लिम्स हैं, तो कोई भी उसे घर देने के लिए तैयार नहीं होता. और पहले वो पटवारी नंजुड़िया के पास जाता है, बट पटवारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेता है कि सर, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता और आप रंगेगुड़ा के पास जाइए, वही आपके लिए कुछ करेंगे. बट इन द सेकंड पैरा, इन द सेंटेंस, हम देखते हैं कि रंगेगुड़ा भी उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देते. हम सैड पटेल रंगेगुड़ा क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड ऑन द वरांडा हाउस. वेल, यू कैन लुक राउंड एंड सी. आई कॉन्ट थिंक ऑफ वन फॉर द मोमेंट. ही ओपन हिज बीटल बैग एंड केयरफुली एंड टेकिंग ए टबैको. अब वो भी उन्हें कहते हैं, देखते हैं और उसको इग्नोर ही मारते हैं. जब वो जाता है तो उसे बैठने के लिए भी नहीं कह रहे और वो अपने तंबाकू वगैरह लेने में बिजी हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते. देखिए, मैं इसको डिटेल में रीड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है. तो बड़े खान को जब इग्नोर करते हैं रंगेगुड़ा, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है. बड़े खान वॉज गेटिंग रेस्टलेस, बेचैन हो रहे हैं वो. नॉट ओनली डिड पटेल टुक लुक इनडिफरेंट. इनडिफरेंट होता है बेटा इग्नोर करना या बेखबर होना किसी बात से. जैसे पटेल उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं हो. बट ही हैड नॉट इवन आस्क बड़े खान टू सीट हिमसेल्फ. सो ही वेंट अप द 3 steps एंड सेट बाय अ पिलर, हिज फीट हैंगिंग डाउन द वरांडा एंड हिज स्टिक बिटवीन हिज लेग्स. दे वर साइलेंट फॉर ए मोमेंट. अब वहाँ उसको बैठने के लिए नहीं कहता, तो ठीक है, वहीं पास में ही वो पिलर के पास बैठ जाता है. देन हे चेना. अब वो रंगेगुड़ा को पता है कि वो आ गया, परंतु फिर भी वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और उनके जो वर्कर्स हैं चेन्ना और इनको डांट रहे हैं कि आप अपना काम करें. उनको कह दो, मैडा को, वो भी वर्कर हैं उनके, कि जल्दी से मिड डे मील का अरेंजमेंट करें और जल्दी से, क्योंकि कल मेला है. एंड टेल मैडा टू हरी अप बैक बिफोर मिड डे एंड फिल द कार्ट्स विद द सैक्स. Meanwhile, the cattle were coming out of the main door and Whitey and the Blotchy and one honored one and Lakshmi and Gori and then the bulls, bullfellows, and they hurried down the steps ringing their bells and banging and their clogs, and young Siddha was behind them, his stick in his hand and the dung basket on his head. अब सीधा सारे वो जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं, जो घास फूस लाना था वो सब लेकर आते हैं और सभी जानवर आ गए हैं, बुफेलोज कैटल्स वगैरह, बुल्स भी. और सीधा के हाथ में एक छड़ी है और दूसरे हाथ में सिर पर क्या है, डंग मीन्स गोबर उठाने वाली टोकरी है. हिज स्टिक इन हिज हैंड एंड द डंग बास्केट ऑन हिज हेड. अब सीधा वहाँ काम करते हैं. तो बड़े खान कुड नॉट सी रंगेगुड़ा एंड ही स्पैट नर्वसली इनटू द गटर एंड सेट ड्रॉपिंग द लाठी रिंग्स ऑन द स्टेप्स. अब बड़े खान कुड नॉट सी रंगेगुड़ा एंड ही स्पैट नर्वसली इन टू द गटर. उसने बेचैन होकर जैसे गटर में थूक देते हैं, इस तरह से किया, थूका. रंगेगुड़ा लुकड अप एंड देन पुट लाइम स्मियर्ड बीटल लीफ इन टू हिज माउथ एंड सेड, सो यू वॉन्ट हाउस पुलिस साहिब, आई एम सॉरी, आई हैव नन ऑफ टू ऑफर यू. परंतु लास्ट में उसे, वो पान खा रहे थे और पान खाते हुए, अच्छा पुलिस साहिब, आपको घर चाहिए पर मेरे पास घर नहीं है तुम्हारे लिए कोई भी. यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई हैव ए राइट टू आस्क यू टू ऑफर मी हाउस. अब पुलिस, बड़े खान कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो क्योंकि वो मुखिया है गाँव के और कर लगान वो कलेक्ट करते हैं सरकार का रंगेगुड़ा, तो उससे इसलिए कह रहे हैं पटेल रंगेगुड़ा को कि आप गवर्नमेंट के सरकारी आदमी हो और मुझे अधिकार है कि मैं आपसे घर के बारे में पूछूं. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट रिपीटेड द पटेल, यस आई एम, बट द गवर्नमेंट डज नॉट पे मी टू फाइंड हाउसेज फॉर द पुलिस, आई एम हेयर टू कलेक्ट रेवन्यू. अब रंगेगुड़ा क्लियरली कह देते हैं कि मुझे सरकार के लिए, मैं कर कलेक्ट करता हूँ, परंतु घर कलेक्ट करने के लिए सरकार ने या घर देने के लिए सरकार ने मुझे कोई भी पे नहीं करता. सरकार, अंग्रेज मुझे पे देते हैं भाई. सो यू आर ए ट्रेटर टू योर सॉल्ट गिवर. अच्छा, जो नमक हराम ही करते हो आप, तो फिर पुलिस, बड़े खान कह रहे हैं रंगेगुड़ा को, आई एम नॉट अ ट्रेटर, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द लॉ. मैं ट्रेटर नहीं हूँ, मैं रंगेगुड़ा बता रहा हूँ कि मैं ट्रेटर नहीं हूँ, आई एम नॉट ट्रेटर, मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूँ जो कि कानून है.
I did not know you were such a learned lawyer too, laughed Bade Khan. But a final word, will you oblige me by procuring me house or not? ठीक है, आई डोंट नो यू आर सच ए लर्नेड लॉयर टू, मुझे नहीं पता था कि तुम लॉयर भी हो, ऐसे अच्छे कानून के जानकार भी हो, फाइनल वर्ड मुझे बता दो कि आप मुझे घर बता रहे हो या नहीं. नो पुलिस साहिब, आई टेल यू हम्बली आई कांट, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द होल विलेज, बट इफ़ देर इज एनी वन हु इज़ रेडी टू ऑफर यू ए हाउस प्लीज़ टेक इट एंड टर्न इट इन टू अ पैलेस. कहते ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई घर नहीं है, मैंने अम्बली आपको बता दिया कि मैं नहीं कर सकता, और अगर गांव में कोई मिलता है आपको तो आप ले लो और उसे महल बना लो. आई कैन सी नो ऑब्जेक्शन टू दैट, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. ही स्टिल मस्ट हिज टबैको एंड पेस्टिंग द बीटर लीव्स विद लाइम एंड ही पुट देम इन टू द माउथ एंड मस्ट, अब अभी भी रंगे घोड़ा उनको अवॉइड कर रहे हैं और तंबाकू और जो वो बीटल पान का जो है वो खा चबा रहे हैं. यू डोंट नो Who are you are speaking to, Bade Khan grunted between his teeth as he rose. अब Bade Khan उसे धमकी दे रहे कि तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो. I know I have the honor of speaking to the policeman. Policeman Dhampale Patel answered in a sing-song way. Meanwhile, his grandson, the little Puttu, came out and he took the child in his arms and laid him on his lap and tinkled him under the. अब उसके बाद उनका भी ठीक है, मैं मुझे पता है कि मैं पुलिसमैन से बात कर रहा हूँ, बट रंगे घोड़ा कहते हैं बट, और उसको अवॉइड करते हैं. फिर पुट्टू आ जाता है उनका पोता और वो उन्हें उसके साथ खेलने लगते हैं. देन नेक्स्ट, अब रंगे घोड़ा Bade Khan went down one steps and two steps and three steps and standing on the gutter slab growled at the Patel, the first time I corner यू आई शेल स्क्वैस यू लाइक ए बग. अब उसे धमकी सी दे रहे हैं, वो एक तरह से उसे गाली दे रहे हैं. इनफ इनफ ऑफ दैट आंसर द पटेल इंडिफरेंटली, यू हैड बेटर टेक केयर नॉट टू वार्म योर हैंड्स विद अदर्स मनी. कहते तुम अपना काम करो और दूसरों के पैसे से अपने हाथ गर्म मत करो. फॉर दैट वुड टेक यू स्ट्रेट टू द पीपल ट्री. ओके, फॉर दैट वुड टेक यू स्ट्रेट टू द पीपल ट्री, ये तुम्हें सीधा पीपल ट्री की तरफ ले जाएंगे. ओ यू स्पैट Bade Khan, अब Bade Khan ट्राई नॉट टू स्वियर एंड वंस ही वॉज बाई संपन्नास कोर्टयार्ड ही बिगेन टू ग्रम्बल एंड ग्राउल एंड ही मास्ड ऑन द थम्बिंग ओवर द हैवी बाउल्डर ऑफ द स्ट्रीट एट द टेम्पल स्क्वेयर ही गेव सच ए रीलिंग किक टू द वन ईयर्ड कर दैट इट वेंट groaning through the Porter Street, groaning and barking through the Porter Street and the Pariha Street till all the dogs began to bark and all the cocks began to crow and a donkey somewhere raised a fine welcoming bray. देखिए ये सिंबॉलिक है यहाँ कि Bade Khan जब बड़बड़ाता हुआ सा आगे बढ़ रहा था और गली में चल रहा था पैर मारता हुआ, तो रास्ते में एक कुत्ता बैठा था, गली का कुत्ता, उसने उसे किक किया, लात मारी और वो बेचारा चिल्लाता इतनी ज़ोर से मारे कि चिल्लाता हुआ गया पोर्टर की स्ट्रीट से भी, ठीक है, फिर चिल्लाता हुआ दूसरे परिया के स्ट्रीट में पहुँचा और वहाँ कुत्तों के भौंकने की सभी की आवाज़ आई और फिर द कोक्स बिगेन टू क्रो और जो मुर्गों ने भी बोलना शुरू कर दिया एंड ए डोंकी समवेयर रेज्ड ए फाइन वेलकमिंग ब्रे और कहीं दूर से एक डोंकी की भी वेलकमिंग आवाज़ आई, मतलब गधे की वेलकमिंग आवाज़ आई, गधे ने उसका वेलकम किया एक तरह से और वो कौन वेलकम करेगा, स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में मालिक. सो Bade Khan वेंट टू द स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट, जो मेन कांथापुरा का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जहाँ पर सारा एक्शन होगा, स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट, और जहाँ पर एक अंग्रेज मालिक है और वो लोगों से वहाँ काम करवाता है, कॉफ़ी में बनवाता है और चाय कॉफ़ी जो भी वहाँ बनती थी. एंड ही सेड योर एक्सीलेंस हाउस टू लिव इन एंड मिस्टर स्कैफिंगटन टर्न टू हिज बटलर एंड सेड, अब वो क्या एक्सीलेंसी आप एक घर दोगे मुझे रहने के लिए, तो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट के जो मालिक थे मिस्टर स्कैफिंगटन वो अपने चापलूस की तरफ मुड़े और उनका कि भी मैं हट एक झोंपड़ी दे दो इसे. एंड द बटलर वेंट टू द मेस्ट्रीज क्वार्टर एंड ओपनड ए द टिन शेड एंड Bade Khan वेंट इन एंड लुकड एट द प्लास्टर्ड फ्लोर एंड द बार्ड विंडोज एंड वेल नियर बाय इन द सेट, अब वहाँ गया, प्लास्टर हाउस था वो, मतलब नॉर्मल हाउस था, झट की एक तरह से झोंपड़ी ही थी और वहाँ पर उसने एक प्रिया वूमेन से सफाई करवाई और फिर उसने वहाँ रहना शुरू किया.
ओके द नेक्स्ट डे एंड डे आफ्टर एंड द डे आफ्टर वी सॉ नथिंग मोर ऑफ बड़े खान। उसके बाद वो गांव में दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में रहने लगा था। सम सेड ही वेंट टू ब्रिंग द पुलिस इंस्पेक्टर, अदर सेड ही वॉज ओनली ए पासिंग पुलिसमैन हु हैड कम टू स्क्वीज मनी आउट ऑफ पीपल। बट ऑन द फोर्थ और फिफ्थ डे पोस्ट सुरप्पा वेंट अप द फ्रंट हाउस स्टेप्स एंड सीटिंग हिमसेल्फ बाय ग्रैंड फादर रमन्ना आस्क्ड फॉर ए पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ वो सूंघने वाली होती है जो नशे की जिसे औरतें सूंघती हैं, तंबाकू एक तरह से स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ एंड नसवार, एंड टोल्ड हिम जस्ट इन पासिंग दैट देर वॉज ए पुलिसमैन ऑफ सम सॉर्ट इन द स्कैफिंगटन एस्टेट। सभी ने सोचा कि वो चला गया पुलिस वाला और वो पैसे कलेक्ट करने आया था जब वो नहीं दिखाई दिया, परंतु सुरप्पा ने उसे देखा और बताया कि वो कॉफी एस्टेट में रहता है। और नोबडी हु हैज़ आईज टू सी एंड ईयर्स टू हियर विल बिलीव इन सच ए क्रो एंड स्पैरो स्टोरी। इट वॉज ए पासिंग पुलिसमैन एंड ही वॉन्टेड टू मेक मनी बाय टेररइजिंग द इग्नोरेंट। वन हैज़ सीन सो मैनी ऑफ दीज फेलोज एंड वंस दे हैव ए रुपी इन देर हैंड और डजन कोकोनट और मेजर्स ऑफ राइस दे वॉक अवे एंड आर नेवर हर्ड ऑफ अगेन। अब क्योंकि ये कहानियाँ थी जो सुनने को मिलती थी और उन कहानियों पर हालांकि नो हु हैज़ आईज टू, जिसकी आंखें हों वो विश्वास नहीं करता था, बट कहते हैं इट वॉज़ ए पासिंग पुलिसमैन और वो पैसे बनाने आया बनाता है लोगों को धमका कर, अगर किसी के आसपास कोई चीज़ मिले तो वो आदमी दोबारा नहीं दिखाई देता लिए हुए। बट वाटरफुल एंड कम्मा वुड हैव नन ऑफ दिस, पुलिसमैन डू नॉट कम अलोंग लाइक दैट इन दिस सिविलाइज्ड डेज ही मॉक्ड। अब वेनकम्मा थी जो कि आपको पता है वो ऐसे ही बोलती रहती है, पहले रंगम्मा को वो कोसती रहती थी और अब ऐसे ही कहती है पुलिस वाले ऐसे तो पहले किस गांव में नहीं आते थे और अब आने लगे हैं, तो वो कहना चाह रही है कि मूर्ति के कारण ही आने लगे हैं ऐसे क्योंकि मूर्ति ने ऐसा कुछ किया है। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे क्या है। ओके दे हैव कम बिकॉज ऑफ मूर्ति एंड ऑल दिस गांधीज अफेयर एंड ही विद हिज किचन सी फ्रेंड्स एंड ऑल दिस ब्रैगिंग सिटी टॉक एंड सी स्पैट इन टू द स्ट्रीट एंड एज एवरीबडी न्यू सी हैड नो पॉपुलर लव फॉर मूर्ति ही हैड रिफ्यूज्ड हर सेकेंड डॉटर फॉर होम ब्राइडग्रूम आफ्टर ब्राइडग्रूम वॉज बींग शॉट एंड सी वॉज नियरिंग द एज एंड देन देर वॉज द अदर अफेयर। मूर्ति वॉज सो ऑफन एट द नेक्स्ट हाउस वुमेन्स किचन एज ही यूज टू से सिंस द शंकर जयंती, मूर्ति वॉज ऑलवेज टू बी सीन गोइंग अप द कन्या हाउस स्टेप एंड देन ही वुड कम आउट समटाइम्स इन 1 hour एंड समटाइम्स इन 2 hours एंड समटाइम्स इन 3 hours एंड ही इवन टुक अदर्स टू हिज गैंग विद हिम टू। दे सेड रंगम्मा'स हाउस वॉज नाउ बिकमिंग समथिंग ऑफ ए कांग्रेस हाउस एंड देयर they were always spilling books and books and they had even brought spinning wheels from the city। अब ऊपर वेनकम्मा उसके बारे में कुछ कुछ कह रही हैं मूर्ति के बारे में कि वो ऐसा है और उसी के कारण ऐसे पुलिस आने लगी है। बट नीचे दिया दे सेड रंगमाज हाउस, आजकल रंगमा का हाउस है जो वो कांग्रेस एक्टिविटी का सेंटर बन गया है। और क्या करते थे, मूर्ति शहर जाता था, बुक्स लेकर आता था महात्मा गांधी जी के बारे में जो बोलते थे उनकी बुक्स थी और जो उनमें उपदेश देते थे वो, और स्पाइनिंग चरखा लाते थे और कातने के लिए, और वो लोगों को औरतों को फ्री बांटते थे कातने के लिए। द एक्सपल्शन ऑफ जयरामचार फ्रॉम कांथापुरा हैड मेड ए बिग नॉइज इन द सिटी एंड द कारवार कांग्रेस कमेटी हैड रिटर्न टू मूर्ति टू गो एंड टू सी देम। अब क्योंकि जयरामचार को पकड़ कर ले तो मूर्ति कमेटी ने एक पास किया कारवार कांग्रेस की, उसे वो मिलकर आए। And when he had gone to see them, they had given him books and papers and spinning wheel and all these for nothing. It was said, और ये कहा जाता है कि उन्होंने इसे चरखे दे दिए, बुक्स दे दिए जब ये शहर में उनसे मिलने गए। They went to the Shudra quarter and porter quarters and weavers quarters and they cried, free spinning wheel in the name of Mahatma. And it was Murthy who came to the Brahman street. Sister, say he to noise scratching Nanjamma. Sister, the Congress is giving away free spinning wheels.
अब वो उसने औरतों को समझाने की कोशिश की नंजम्मा को, जो कि ब्राह्मण थी, कि ये सरकार हमें फ्री दे रही है कातने के लिए। पर नंजम्मा कहते, नहीं नहीं जब गांव में वीवर्स हैं कातने के लिए, बुनने के लिए, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम नहीं बुनेंगे। ओके, हमें क्या ज़रूरत है। देखिए कहते, विल यू स्पिन सिस्टर, यू सी यू हैव नथिंग टू डू इन द आफ्टरनून आफ्टर द वेसल्स आर वॉश्ड एंड द वाटर ड्रोन, एंड इफ यू स्पिन जस्ट 1 आवर ए डे यू कैन हैव ए बॉडीज क्लॉथ ऑफ एनी कलर और ब्रेथ यू लाइक एंड नो बॉडीज क्लॉथ पर मंथ एंड ए साड़ी एवरी 6 मंथ एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ द कॉटन इज गिवन फ्री। अब वो बता रहे हैं कि कॉटन फ्री दी जाएगी और हर महीने आपको एक कपड़े मिल जाएगा और 6 महीने में एक साड़ी मिल जाएगी। तो एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ द कॉटन इज, और पहले मंथ में कॉटन भी फ्री मिलेगी कातने के लिए। मे आई आस्क वन थिंग मूर्ति, हाउ मच हैज़ वन टू पे? नथिंग सिस्टर, आई टेल यू द कांग्रेस गिव्स इट फ्री। एंड वाई शुड द कांग्रेस गिव इट फ्री? अब वो कहते, क्यों दे रही है कांग्रेस फ्री में? तो फिर उसने बताया कि क्योंकि सरकार ये कांग्रेस कमेटी ये चाहती है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि लोग स्वदेशी को फॉलो करें। ओके, तो कहते, टू वियर क्लॉथ स्पन एंड वोवन विद योर ओन हैंड्स, गॉड गिवन हैंड्स इन इज सेक्रेड, सेज द महात्मा। महात्मा कहते हैं, मूर्ति ने कहा कि हमारे पवित्र हाथ हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं, एंड इट गिव्स वर्क टू द वर्कलेस, और इससे बिना काम वाले लोगों को काम मिलता है, वर्क टू द लेजी, जो वैसे लेजी पड़े उनको काम मिलता है। और फिर डोंट नीड द क्लोथ सिस्टर, और यदि आपने बुन लिया और कात लिया, और फिर आप बुन लीजिए और कात लीजिए और आप फिर गरीब को दे दीजिए, उन्हें भी कपड़े मिल जाएंगे पहनने के लिए। गिव इट अवे टू द पुअर एंड वी विल गिव इट टू द पुअर, अवर कंट्री इज बींग ब्लेड टू डेथ बाय फॉरनर्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर मदर। कहते, हमें स्वदेशी को फॉलो करना है और अपने देश को बचाना है, क्योंकि अंग्रेजों ने, विदेशियों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है। देखिए इस पेज पर जो है तो वो क्या बता रहे हैं कि सिस्टर, जैसे क्योंकि फॉरेन में क्या करते हैं, ये फॉरेनर आते हैं, हम कोई अनाज, जैसे हम अनाज उगाते हैं तो हम चावल उगाते हैं, और चावल उगाकर जब शहर से लोग आते हैं सोलापुर बॉम्बे से, और वो बोरियां लेकर आते हैं और पैसों के बोरियां भर कर लेकर आते हैं, और हमसे वो ए क्या कहते हैं, दे पे यू 90 रुपीज़ ए खंड ऑफ पैडी इंस्टेड ऑफ 18 रुपीज़ 8 अनाज। ओके, वो 90 रुपीज़ एक हंडा के पे करते हैं इंस्टेड ऑफ 18, मतलब जब खरीदते हैं तो आपको 1 रुपया ज़्यादा ही देकर खरीद लेंगे, और एज गोल्ड बैंगल सोमाना एंड मोटा मडना वुड पे, जितना कि वो पे करते हैं, दे विल इवन पे यू 90 रुपीज़ एंड 2 अनाज इफ़ यू विल सेल मोर देन 20 खंडाज, और यदि आप 20 से ज़्यादा बेचना चाह रहे हो तो आपको इतना पे करेंगे। देन दे टेक इट अवे एंड पुट इट इन द ह्यूज मिल्स ब्रॉट फ्रॉम देयर ओन कंट्री एंड रन बाय देयर ओन मैन। अब क्या ये यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे और शहर में ले जाकर, जहाँ इनके इनका देश है, जहाँ इनके लोग हैं, अंग्रेज़ हैं, एंड व्हेन द राइस इज हार्ड, उसी राइस को साफ कर कर, उसका गुद्दा निकाल कर साफ कर कर, यहीं फिर दोबारा बेचने आ जाएंगे, और ये बनिया रामलाला और चौटाला जो हैं, हु सेंड इट बाय ट्रेन टू बनिया बनवाला बाय ट्रेन, इन लोगों को मोतीलाल, बप्पन लाल, मोतीलाल, ये जो हमारे गांव के जो लोग हैं वो उनको खरीदेंगे दोबारा से, और फिर अपनी दुकान पर मेले में यहाँ ऐसे ऐसे बेचेंगे। एंड अगर आपको कोई फंक्शन करना होगा, तब नंजम्मा को समझा रहे हैं वो कि मान लो आपके कोई फंक्शन करना है, ठीक है, तो आपके घर में फिर चावल नहीं होगा क्योंकि आपने तो बेच दिए उसे सारे के सारे, और तब फिर आप इन्हीं दुकानों पे जाओगे, सुभा चेट्टी की रहोगे, यू गो टू सुभा चेट्टी एंड से हे चेट्टी हैव यू फाइन राइस, वो कहेंगे यस वाई नॉट, कितना वाइट चावल है, वाई आई हैव फाइन वाइट राइस, और वही राइस जो तुमसे सस्ते माल में लेकर गए थे यहाँ से अंग्रेज, वो आपको महंगे में बांटेंगे, दिस लुक लाइक ब्यूटीफुल राइस एंड यू पे 1 रुपी फॉर एवरी 3.5 शेर, और फिर हाफ शेर के लिए भी तुम 1 रुपया पे करोगे। नाउ टेल मी नंजम्मा, हाउ मच डज हस्किंग रंगी आस्क फ्रॉम यू फॉर एवरी 20 मेजर्स ऑफ पैडी। अब ये बताओ, चलो जो रंगी है, जो साफ करने वाले हैं चावल, वो आपसे कितना लेते हैं? White all depends. Sometimes it is 6.5 and sometimes it is 7.7 measures of older husk. थोड़ा ही लेते होंगे ना उसको, हाँ उसकी निकाल के भी, तब भी अगर हम उनको साफ करने वाले को दे दें, चावल निकालने वाले को दे दें, तो भी हमारे पास
चावल के महंगे दाम हमें पे नहीं करने पड़ते, उनका भी गुजारा हो जाता है साफ करने वालों का, और आपको भी चावल सस्ते दाम में मिल जाते हैं अगर हम यहाँ अपने चावल को साफ करें और रखें। बट आप क्या है, थोड़े से पैसों के लालच में आकर आप उनको बेच देते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कर भी देना है, उसके पैसे भी देने हैं जो पैसे ले रखे हैं, तो इकट्ठे बेच देते हो और वही माल यहाँ से कच्चा माल ले जाकर और आपको महंगे दामों में दे देते हैं, वो वापस बेचते हैं। देखिए बेटा, इस पेज पर मैं नेक्स्ट पेज जो भी आया है इस पर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ बीच में से, जो कि आपका एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्योंकि इसमें नॉवल की एक्सप्लेनेशन भी आएगी और रेफरेंस टू द सॉरी कॉम्प्रिहेंशन भी आएगी और एक्सप्लेनेशन भी आएगी। देखिए मैं लाइन पढ़ रही हूँ, एंड द नेक्स्ट हार्वेस्ट एजेंट्स विल कम एंड ब्रिंग वेरिटेबल मोटर्स लॉरीज सच एज दे हैव इन स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट एंड दे विल टेक अवे ऑल द राइस एंड यू विल हैव टू गो टू सुबा चैटी एंड बाय परहैप्स द वेरी राइस दैट यू ग्रू इन योर फील्ड। अब देखिए, जैसे स्कैफिंगटन हाउस में गाड़ियाँ आती हैं, ऐसे ही गाँव में गाड़ियाँ आएंगी जब आप राइस उगाओगे, और आप क्या है वो आपसे क्या करेंगे, कहते हैं जैसे वो कॉफी एक्सटेंट, यू विल हैव टू गो टू सुबह चेटी एंड बाय परहैप्स द वेरी राइस, और सुबह जो क्योंकि आप उनको बेच देते हो और सुबह चेटी फिर बेचने के बाद आप सुबह चेटी जो गांव का दुकानदार है वो उनसे दोबारा से खरीदेगा, और ख़रीदने के बाद जब आप उनसे खरीदने जाओगे वही राइस दैट ग्रीन जो आपने अपने खेत में उगाया था एट 4 शेर ए रुपी 2, वो आपको ऐसे 1 शेर 4 रुपये में खरीदना पड़ेगा, 4 रुपीज़। द सिटी पीपल ब्रिंग विद दैम क्लोथ एंड सुगर एंड बैंगल्स दैट दे मैन्युफैक्चर इन देयर ओन कंट्री। अब ये जो गांव जो लोग हैं जो दोबारा से चावल बनाकर लाए आपके लिए साफ, जो आपके गांव में उगाया था आपने, उनको साफ करके दोबारा से पैकेटों में भर लाए और आपको महंगे दामों में बेचेंगे, उसके साथ साथ वो और भी चीज़ें जो उन्होंने बना रखी है, जैसे चूड़ियाँ बना रखी हैं, कपड़े बुन रखे हैं, वो भी लेकर आते हैं और वो भी आपको आकर्षित करते हैं कि ये भी ले लो, देखो ये कितना सुंदर है। यू विल बाय क्लोथ एंड सुगर एंड बैंगल्स, आप खरीदोगे एंड यू विल गिव अवे दिस मनी एंड दैट मनी यू विल इवन गो टू भट फॉर ए लोन। अब जो पैसा आपने चावल बेच कर लिया है, उन्हें चावल बेच दिए और वो पैसा ले लिया, और साथ में वो ऐसे कपड़े चूड़ियाँ भी बना लाए, तो उनको वो भी बेच रहे हैं आपको, तो उनको भी खरीदोगे, और ख़रीदने के लिए जो पैसा आपने चावल का वो कमाया वो उनको वापस उनकी चीज़ खरीद ली। और अगर आपको वो चीज़ खरीदनी है, पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप भट्ट के पास जाओगे, भट्ट आपको क्या करेगा, लोन लोगे भट्ट से फॉर द पिकॉक ब्लू साड़ी। अब वो जो साड़ी लेकर आप खरीदना चाहते हो, आपके पास कमाई कम हुई और आपको पैसे साड़ी के ज़्यादा पे करने हैं, तो आप भट्ट के पास लोन लेने जाओगे। ब्रिंग जस्ट सूट्स लक्ष्मी एंड लक्ष्मी इज़ टू बी मैरिड सोन, दे ब्रिंग सॉफ्ट एंड परफ्यूम्स एंड दस दे बाय योर राइस एंड सेल देयर वेयर्स। इस प्रकार आप लोन लोगे, आपके ऊपर कर्जा चढ़ेगा, और इस प्रकार दे ब्रिंग सॉप्स, और वो जो आते हैं चावल खरीदने वो अपने साथ साबुन परफ्यूम भी लेकर आते हैं, चावल आपसे वो खरीद लेते हैं और अपनी चीज़ें आपको बेच जाते हैं। यू गेट पुअर, इस प्रकार आप गरीब और गरीब होते जाते हो, एंड द परियाज बिगेन टू स्टार्व, और परिया बेचारे भूखे मरते हैं। वन डे ऑल बट भट्ट सुभा चेट्टी विल हैव नथिंग एल्स टू ईट, एक दिन ये जो भट्ट और सुभा चेट्टी इनके पास भी खाने को कुछ नहीं बचेगा, बट द पेबल्स ऑफ हिमावती एंड ड्रिंक हर वाटर, बस यहाँ पत्थर बचेंगे और पानी हिमावती का, और रामा कृष्णा सिस्टर इट इज़ हाउ इट इज़, ऐसे होगा कि आप रामा कृष्ण कहते रहना और ऐसे वो सारी चीज़ें हमारी बेच, हम उनको सभी पैसे उन्हीं को दे देंगे, वो चावल भी खरीद लेंगे हमारे और हमसे पैसे देंगे, जो वो अपनी चीज़ें बेच के वापस ले जाएंगे। देखिए यहाँ नंजम्मा को मूर्ति बता रहा है कि महात्मा हर रोज़ 2 घंटे बुनते हैं सिस्टर, और आप भी बुनिए, क्योंकि आपको चरखा फ्री दिया जा रहा है कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और आप कातिए, और अगर आप महीने में अपना कमाई कीजिए, अपने कपड़े बुनिए या खुद पहनिए, और अगर ज़्यादा बन जाते हैं तो गरीबों को भी दे दीजिए। तो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, और इस प्रकार वो औरतों को कि आप जब खाली टाइम में होती हैं अपना काम करने के बाद, तो कातिए स्पिन कीजिए। ओके, ये देखिए
तो नंजुमा को वो कन्विंस कर लेता है, और कन्विंस करने के बाद वो नंजुमा उसे ऑफर करती है कप ऑफ कॉफ़ी। फिर उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस सूर्य नारायण के पास जाता है, जो कि ऑलरेडी एक गांधी फॉलोवर है, और सभी को चरखा बांट देता है। देन ही गोज मूर्ति, ही आस्क फॉर टू चरखा। अब पोस्ट ऑफिस सूर्य नारायण जो है मूर्ति के पास जाता है, दो चरखे मांगता है, और फिर मूर्ति देन ही गोज मूर्ति टू पंडित वेंकटेशिया स्नब शास्त्री रंगम्मास विडोर सीतम्मा एंड हर डॉटर रत्ना एंड कार्डमोम फील्ड रामचंद्रा एंड दिस से ओ यस माई सन ओ यस माई सन। सभी जो रंगम्माएँ हैं, सीतम्मा उसकी डॉटर है, सॉरी सिस्टर है, और उसकी बेटी रत्ना, ये सभी यस सन कहकर उसे उसकी बात को मानती है मूर्ति की कातने की, और चरखा लेती है और काटती हैं। तब वो प्रिया को, अब रत्ना की और मूर्ति की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, रत्ना भी एक अच्छी लड़की है और वो भी गांधी की फॉलोवर है। तब वो परिया के क्वार्टर में जाता है, परिया एक ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश होते हैं अपने क्वार्टर में, और सभी के सभी यस मूर्ति कर कर उसकी आदर मान से उसकी बात को मानते हैं। जैसे जैसे कि ये सभी प्रियास थे, मैडना सन चेना बीडल तमैया भीमा ओल्ड मोटा लिंगा जैकटी तिपा सभी उसको घर तक उसको फॉलो करते हैं और उसके बात को मानते हैं, काटते हैं। और नॉट ए पाई फॉर दिस, वो कहते हैं कि एक पाई भी नहीं इसके लिए पे करनी। तो दे वुड स्पिन एंड स्पिन एंड स्पिन एंड इफ दैट ब्राह्मीन बॉय वॉज टू बी बिलीव्ड दे वुड, और यदि उसको विश्वास करें तो सबके पास, कहते हैं यदि ये ब्राह्मीण बॉय पर विश्वास करें तो सबके पास रहने पहनने के लिए कपड़े होंगे, ओढ़ने के लिए कंबल होंगे, शर्ट्स होगी, और इस प्रकार दे सेड इट वॉज, ये सब महात्मा के कारण हैं। बट आफ्टर दैट जो भीमा और मोटा है वो एक पुलिसमैन को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहा है प्लेटफॉर्म के नज़दीक, और उसे देख करके कहते पुलिसमैन है जो उस वही है जो हमने उस दिन देखा था, द सेम हु हैज सीन द अदर डे, बट उसके ही हैज़ नो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है। इट मीन्स पुलिस गाँव में ऑब्जर्व कर रही है, अंग्रेजों की नज़र है गाँव पर कि इस गाँव में फ्रीडम मूवमेंट का आंदोलन का क्या चल रहा है। और वो दे ग्रू साइलेंट एज दे नियर द प्लेटफॉर्म, जैसे ही वो गली में जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के पास से गुजरते हैं तो वो चुपचाप निकल जाते हैं, और तब वो देखते हैं कि प्रिया स्ट्रीट में जब पहुंचते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि वो ब्राह्मण गली में जंप कर गया है पुलिस वाला, ओ रूक। तब वो कहते हैं वो बदमाश कहीं का, उसे पुलिस वाले को वो कहते हैं, क्योंकि वो भी निगाह रखते हैं कि पुलिस वाला क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है। थैंक यू।